हेलो जी, हेलो, क्या हाल चाल है? तो भाई ये है अपनी 2017 मॉडल ब्रेजा। ये भी हमारे साथ लद्दाख ट्रिप पे जाने वाली थी, बट इसके टायर बिल्कुल ही घिसे पड़े थे, इसलिए इसे लेके नहीं गए हम। तो नहीं है ना भाई, जतिन भाई की तरह घिसे ले जाओ बिल्कुल। और ये गाड़ी आपके प्यारे आर्यन भाई की, मस्त टायर डलवाया जतिन भाई ने तीन चार बार। तो आज इसमें हम टायर चेंज करवाने वाले हैं। फिर आज भी कहीं जा रहे हो क्या? आज तो नैनीताल निकल रहे हैं। बढ़िया हो रहा है वहाँ, बादल नीचे आए पड़े बिल्कुल, देखते हैं बाकी। तो अपना नैनीताल जाना है आज, ये गाड़ी लेके जाएंगे, तो इसलिए हम टायर चेंज करवाने आए हैं। इसका एक तो टायर साइज 225/55R17 है ना, ये मिला ही नहीं कहीं भी, ये सिर्फ एक दुकान पे मिला है, तरुण टायर्स पे। तो अब टायर मंगवाया हुआ है, आएंगे तो चारों डलवाएंगे। और बहुत लोग आर्यन भाई को मिस कर रहे थे। हेलो, कैसे हो आप सारे? बादल भाई को भी मिस कर रहे हैं। बादल भाई को भी हम टच में करेंगे, कॉन्टैक्ट में लेंगे। उनकी गाड़ी एक्चुअली खत्म हो गई थी ना, उन्हें अपनी गाड़ी मायापुर में कटवा दी, जैसा कि आपको पता होगी। वहाँ पे जाके गाड़ी तो बिल्कुल टोटल लॉकडाउन खत्म हो गई थी, उसके बाद भी हम लेके आए जैसे तैसे उसे, पर उसके बाद हमें कटवानी पड़ी। आप सारे जाके बादल भाई से रीजन पूछो कि क्यों कटवाई हमने गाड़ी, वो आपको बताएंगे ढंग से। चलो आज इसमें टायर डलवाते हैं और देखते हैं कितने के पड़ेंगे। 17 इंच वाले टायर हैं और फिर इसका रिव्यू भी करेंगे गाड़ी का। ये दो टायर है, एक तो ये वाला टायर है, ये वाला टायर है, वो भी लास्ट इसमें बता रहे स्टॉक बचा है ना, लास्ट स्टॉक है पूरे फरीदाबाद में, कहीं ये वाला साइज नहीं मिलता और ऊपर से कंपनी में तो मिलता ही नहीं साइज। तो ये है कितने का है, कौन सी कंपनी का है? कंफोर्सर का है ये, और ये फोरसम का है। हैं तो ये दोनों चाइनीज पर, इनमें 50,000 किलोमीटर की गारंटी आती है। 50,000 किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं होती, बस इतना ही चलाना। ये वाला टायर वैसे भी गुडियर वगैरह में, मतलब ब्रांड में ये बहुत ही कम मिलता है, ब्रांड में भी जो मिलता है वो भी इंपोर्टेड मिलता है, तो इंपोर्टेड भी चाइनीज ही होता है। लॉकडाउन की वजह से वाला टायर साइज का भी मिल नहीं रहा, इसलिए तो कहते हैं बाहर के जो अलग लगवाते हैं ना, लगते तो सुंदर है देखने में, पर इनका कई बार टायर साइज नहीं मिलता और वो नहीं मिलता। उस टाइम पे तो मिल जाता जब लगवाते हैं, पर बाद में इनमें ये दिक्कत आती है। तो जैसे अभी इसका एक टायर फट भी गया था, ये देखो आपको दिखा दो, एक टायर इसका फट गया था। आर्यन भाई उस दिन थोड़ी स्पीड में थे और फुटपाथ पर चढ़ गई थी, तो एक टायर फट गया था इसका, तो ये लगाना पड़ा। और ये टायर कहीं नहीं मिला, अर्जेंट मैंने चाहिए, देखना बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं टायर, कहीं नहीं मिल रहे टायर। तो यहाँ जो भी मिल रहे हैं अपने नहीं लगवा रहे हैं फिर। तो देखने में तो फिर ये अच्छा लग रहा है इससे, इसकी ये स्टाइल डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा है, बट दोनों ही चाइनीज है, दोनों ही 50,000 चल रहे हैं। ये 8,000 का, ये 6,000 का, तो 6,000 वाले ही लगवा लेते, क्या करना, टायर को कौन इतना देखता है। तो चलो अब चारों चेंज करवा देते हैं। इसके फ्रंट टायर में चिपकाया कैसे हुआ है, वो फट गया था? ये भी वो कहीं लग गई थी गाड़ी ना, थोड़ी सी फुटपाथ पे टच हो गई थी, फिर वो ऐसी एज इट इज एक ना उसे छेड़ा, फटा भी नहीं है, नहीं फटा नहीं, एक टायर फट गया था। अच्छा, उसको फिर हमने स्टेपनी से रिप्लेस करवा दिया। उस दिन ज़्यादा उसमें थे क्या? जो उसमें फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस देखी थी उसी दिन सुबह सुबह। गाड़ी बहुत बढ़िया है, डीजल में माइलेज बहुत देती है। आज इसके चारों टायर चेंज हो जाएंगे, तो अपना अब ट्रिप पे, अगली ट्रिप पे ब्रेजा भी दिख सकती है आपको। पर I-20 नहीं लेके जाएंगे कभी, ग्राउंड क्लीयरेंस लगा लो, अगर ये होती वहाँ फंसती थोड़ी लगा के मेरी गाड़ी। और स्नैप ये वाला टायर डलेगा, इसको कंपनी वाली टायर लगवा लेते वैसे अलॉय। कंपनी वाले के बाद गाड़ी थोड़ी ऐसी हो जाएगी ना, कभी कभी सी और इसमें थोड़ा ऊंची सी रहती है। और चौड़े टायर में ये तो है, ये बर्फ वगैरह पे फिसलती नहीं है गाड़ी, जम के चलती है रोड पे। लुक वाइज ये अच्छी जाती है। नोजल भी देखो कहाँ पे आती है, बीच में आती है अलॉय के, बाहर नोजल नहीं है इसमें। यहाँ पे इसमें टायर चढ़ गया, तो अब इसकी होगी बैलेंसिंग। देखना क्या हालत कर रखी है आर्यन भाई टायरों की, सीमेंट लगी पड़ी है। गए हो
क्या चीज है ये? ये ड्रम जो पेंट होते हैं ना अंदर, पुराना देख सकते हो आप, जैसे कि खराब हुआ पड़ा था ना। अच्छा, ये ऑरेंज कलर का है जैसे? इस बार उसके लाइट ग्रीन ट्राई करते हैं। ग्रीन कलर का? हाँ जी। ये वाला कलर नहीं मिला? ये वाला अवेलेबल नहीं था, नया ट्राई कर लूँ। अच्छा अच्छा, पीछे ड्रम और वो भी देखो, ड्रम भी जैसे ऑरेंज कलर का है। अरे अपने उस तरीके से होती है पेंट, ब्रेक कैलिपर हो गए पेंट ग्रीन कलर में। हैंडल डाउन करना। लाइट चली गई, अभी मैनुअली करना पड़ रहा है। तो ये लाइट चली गई यहाँ पे क्योंकि मौसम खराब हो गया है ना, तो लाइट चली गई है। अभी ना हाथ से ही वो करने पड़ रहे हैं, इनकी मशीन नहीं चल रही तो हाथ से ही करने लग रहे हैं इनका। और दो टायर अभी रह भी रहे, नहीं तो अब तक चारों चढ़ जाते। तो दो टायर अभी रह गए हैं। चलो हो जाएंगे। और भाई को आज नैनीताल भी निकलना है। ये इसमें इतने बड़े टायर लगे हुए हैं, इनसे एवरेज कितनी देती है गाड़ी? 17-18 दे देती है। 17-18 दे देती है इन टायरों से भी? पर जो मारुति की पेट्रोल वाली गाड़ी आ रही है ना, बिल्कुल मजा नहीं है। डीजल अच्छा। वाली गाड़ी तो उनमें पिकअप वगैरह तो था। अरे आप देख सकते हैं डीजल वाली है, और इसमें तो यार बहुत ही अच्छी एवरेज निकालता है। और अगर कंपनी के टायर होते तो कम से कम देती 22-23 की। तो जिन्होंने पहले ले ली उनका बढ़िया रहा। बाकी आप शायद आ सकते हैं डीजल इंजन मारुति में। हाँ, डीजल इंजन दिवाली के आसपास 1500 cc का एक डीजल इंजन मारुति ने तैयार किया है, हो सकता है उसे लॉन्च करें इंडिया में। तो दिवाली के आसपास शायद कोई डीजल की गाड़ी आएगी मारुति की। ऑल इन वन इंजन करती है मारुति, तो एक ही उसमें बस ट्यून डी ट्यून कर देती है उन इंजनों को, उन्हीं को लगा लगा के बेचती रहती है। देखो ग्रीन कलर में कितनी बढ़िया लुक आ रही है। और ये पीछे भी पहले ऑरेंज कलर का था, इसमें ग्रीन कलर है, ये तो चेंज करवा सकते हो आप कभी भी। अब जब लाइट आएगी तो उधर के दो बदलेंगे, इतने अंदर बैठ लेते हैं। और सुनाओ भाई, चले आपको ले चलते हैं नैनीताल। नैनीताल भाई आप ही जाओ, अभी तो थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। डॉक्टरी तो टेंशन इतनी है, डॉक्टरी की वीडियो नहीं आई ना इतने दिन से। कंटेंट बिजी रहे, चल रहे हैं इनके बोर्ड बोर्ड उड़ने लग गए। देखो हमने जैसी टायर डलवाया इनका बिजनेस उड़ता हुआ दिख रहा है मुझे। ये लगा लूँ? हाँ यही पीछे के लगा दे, यही लगा दे साइड में लगा दे। तो ये अपना लाइट आई नहीं रही, बहुत देर हो गई लाइट, और ये प्रेशर ख़त्म हो गया है इनके टैंक का, तो अभी बाहर से भरवा के लानी पड़ेगी हवा, फिर चढ़ेंगे टायर। भाई लेट हो रहे नैनीताल के लिए, क्या करें, हमारे जीवन में एक से एक कष्ट है। तो मैं क्या करूँ, मर जाऊँ? इन पर इतने पेंट करवा ले, इतने हम हवा भरवा के ला रहे हैं। इन में बाहर से हवा भरवा के लानी पड़ेगी, पेट्रोल पंप तक जाना पड़ेगा। एक टायर यहाँ आ गया, एक टायर यहाँ आ गया, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं आ रही है। आर्यन कहाँ है आर्यन? जी तो हम आ गए हैं टायर में नाइट्रोजन डलवाने, और यहाँ पे लाइट की वजह से यहाँ भी प्रेशर की कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, और मैं लेट हो रहा हूँ नैनीताल के लिए। बाकी अब देखो क्या होता है आगे। हवा भर जाएगी अब, और फिर अपना चलते हैं। उन पे पेंट मार दिया, खुद ही पेंट कर दिया सेल्फ, खुद ही पेंट कर दिया। ये डिस्क पे तो अभी चलेगी गाड़ी, तो अपने आप ही साफ हो जाएगा। तो अपने चारों टायर हो गए हैं कंप्लीट, लग गए हैं इसमें। अरे देख सकते हो ग्रीन ब्रेक कैलिपर कैसे लगते हैं, पीछे से उड़े हैं। चारों टायरों की बैलेंसिंग हो गई है, अब टाइम अलाइनमेंट का। ठीक है, तो मैनुअल अलाइनमेंट कर रहे हैं अभी, अगर लगेगा तो मशीन लगाएंगे। पर मेन दिक्कत क्या आ रही थी, ये वाला साइज़ कहीं भी नहीं मिल रहा था, अब ये वाला साइज़ यहाँ मिल गया। अगर आपको भी कोई ऐसा आउट साइज़ है तो यहाँ मिल जाएगा, तरुण टायर्स नाम है, और ये नंबर है, आप फ़ोन करके पूछ लेना तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे टायर साइज़, कोई से भी टायर साइज़, कोई से भी ब्रांड का मिल जाएगा। अपने भाई चारों टायर हो गए यार इन भाई के, अब नैनीताल जाने के लिए तैयार। फ्रेमिंग करवा ली, इतना टाइम लग गया यहाँ पे, मैंने तो पूरा दिन ही लग गया। एक तो ये वाले साइज़ मिलता नहीं है ना, मुश्किल से मिलता है साइज़ मिला जहाँ पे, वहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम कहीं और टायर लेके गए वहाँ पे, फिर हवा से सेट ना हुआ टायर। चलो भाई पहुंचो अपना नैनीताल, ठीक है फिर मिलते हैं। ओके तो भाई यही था अपना असली मोटिव, तो यही था कि अलॉय अगर जैसे बाहर से लगवाते हैं ना, तो टायर साइज़ की बहुत दिक्कत आती ही आती है,
तो अभी देखो पूरा दिन लग गया, एक तो टायर ढूंढने में ही दिन लग गया, अभी फरीदाबाद इतना बड़ा शहर है, ये वाला साइज ही नहीं मिल रहा था कहीं, जहाँ मिला और ये मिलते भी ऐसे ही है, मतलब कोई कंपनी के तो ज्यादा मिलते नहीं है। तो चलो जो भी है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, ओके बाय।